नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 2018 से लेकर 2020 तक के सभी जीआई टैग को कवर करेंगे। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अगर हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेत। और देखो, यहाँ से हर एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने इन सभी जीआई टैग को कवर कर लिया तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जीआई टैग क्या होता है, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए। देखो, कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया की फेमस है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है एज ए लाइसेंस। जैसे दार्जिलिंग की चाय के बारे में आपने सुना होगा, दार्जिलिंग की चाय फेमस है पूरी दुनिया में, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कश्मीरी केसर, देखो ये कश्मीर का फेमस है और इसको जीआई टैग दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का देखें तो हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चूली का तेल, ये दोनों फेमस हैं, तो इनको जीआई टैग दे दिया गया है। देखो, ये सभी जीआई टैग वो हैं जो 2018 से लेकर 2020 तक अभी तक दिए गए हैं। अब पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, ये गुजरात में जो गांधीनगर है वहां पर ये फेमस है, तो इसको जीआई टैग दे दिया गया है। अल्फांसो आम, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये काफी देशों में एक्सपोर्ट भी होता है। महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी वाला एरिया है ना, वहां पर ये फेमस है। अल्फांसो आम और सांगली हल्दी, ये दोनों महाराष्ट्र से हैं, जिन्हें अब जीआई टैग दे दिया गया है। अब बात करें गोवा की, तो हरमल मिर्ची, मोडोली केला और खेजा। खेजा एक प्रकार की मिठाई है, इन तीनों को तो अभी जल्दी में ही जीआई टैग दिया गया था, तो याद रखेगा ये गोवा से हैं। बात करें कर्नाटका की, तो सिरसी सुपारी, गुलवत तूर दाल, कुर्ग अरेबिका कॉफी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी और बाबू बुदानगिरी अरेबिका कॉफी। देखो, ये बाबू बुदानगिरी हिल्स भी है कर्नाटका में, और कोल्हापुरी चप्पल, ये 6 के 6 आइटम कर्नाटका से हैं, जिन्हें अब जीआई टैग दे दिया गया है। और देखो, कॉफी में जो प्रोडक्शन होता है ना सबसे ज्यादा, वो कर्नाटका में ही होता है, ये भी आप याद रखिएगा भारत में। बात करें केरला की, तो वायनेड रोबस्टा कॉफी और मयूर गुड और तिरूर पान का पत्ता, ये तीनों केरला के आइटम है, जिन्हें जीआई टैग दे दिया गया है। अब बात करें तमिलनाडु की, कोविल पट्टी, कदलाई मिठाई, इरोड हल्दी, तिरुभुवनम सिल्क साड़ी और डिंडिगल ताले, कदांगी साड़ी और पलानी पंचामृतम प्रसादम। ये देखो, ये पंचामृतम नाम से जाहिर होता है, ये पांच मतलब कम्बिनेशन है, पांच नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। वो पांच कौन कौन से हैं? जैसे बनाना, जैगरी, काउघी, हनी या कार्डोमम, तो इन पांचों से मिलकर ये प्रसादम बनता है। और सिरिविल पुथुर पलकोवा, ये सातों आइटम तमिलनाडु के हैं, जिन्हें अब जीआई टैग दे दिया गया है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, देखो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर टेराकोटा, इसे अभी जल्दी में जीआई टैग दिया गया था। और ये बनारस का चुनार बलुआ पत्थर, ये भी फेमस है, तो इन दोनों को जीआई टैग दे दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये तो बात करी हमने इन राज्यों के बारे में। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में किनको जीआई टैग दिया गया है। देखो, ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये बिहार का देखिए। देखो, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, ये फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची, इसको तो अभी जल्दी में जीआई टैग दिया गया था। सिलाव खाजा, ये एक प्रकार की मिठाई है। और जरदालू आम, ये भी फेमस है। देखो, पिछली स्लाइड में पढ़ा था हमने महाराष्ट्र का जो अल्फांसो आम है, और यह है जरदालू आम जो बिहार में फेमस है। कतरनी चावल, इन पांचों आइटम को जीआई टैग दिया गया है और ये बिहार में फेमस है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग, ये फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है। डले खुसिनी क्या है? ये एक प्रकार की मिर्च है, इसको जीआई टैग दिया गया है, जो सिक्किम में फेमस है। इदू मिशमी कपड़ा, इदू मिशमी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश का फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है। बोका सोल चावल और तेजपुर लीची, इन दोनों को अभी 2020 में ही जीआई टैग दिया गया था, ये आसाम की फेमस है। फिर से बोलता हूँ, बोका सोल चावल और तेजपुर लीची एग्जाम में पूछा जा सकता है। काला चावल मणिपुर में फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया था। और देखो, ये मिजोरम के हैं, नाम थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा, त्वलहो पुआन, मिजो पुआनचाई, नगोटे खे और पांडुम, ये चारों सोल की एक वेराइटी है, याद रखेगा, ये सोल की वैरायटी है जो मिजोरम में फेमस है, इनको जीआई टैग दिया गया है। अराकू वैली अरबिका कॉफी ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में फेमस है, तो इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। देखो, यहाँ पे तस्वीर में साफ दिखाया गया है, ये कॉमन है, ये दोनों में फैली हुई है, मतलब दोनों में फेमस है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। देखो, मैप के माध्यम से हमने इसलिए पढ़ा जिससे एग्जाम में ये छप जाए, मतलब एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो और दिमाग में अच्छी तरीके से पिक्चर छप जाए ये। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।